बनाना है, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिक्वेस्ट एक्सपोर्ट के लिए हम किस तरह बनाएंगे, तो इस वीडियो में हमने ये बताना है कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सपोर्ट किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए फिर सबसे पहले हमें यूज़र सपोर्ट पे जाना है। यूज़र सपोर्ट पे सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, यूज़र सपोर्ट में आएंगे। यूज़र सपोर्ट से हम जाएंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, यूज़र सपोर्ट में आएंगे। इसके बाद हमने फिर जाना है फाइल रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आना है। इसके बाद हमने न्यू रिक्वेस्ट पे जाना है। यहाँ पे हम आ गए हैं। रिक्वेस्ट नंबर ये खुद ही ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। इसका स्टेटस हमने ये न्यू खुद बहुत दिया, मतलब नया हम बना रहे हैं तो न्यू खुद बहुत आ जाएगा। इसके बाद इम्पोर्टर उसका एनटीएन, जो मतलब रिक्वेस्ट बना रहे उसका एनटीएन आएगा, उसका नेम आएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद कंसाइनी नेम, जहाँ भी आप उसको भिजवा रहे हैं उसका नाम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड, उसका एड्रेस अफगानिस्तान, कंट्री अफगानिस्तान, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज रिपोर्ट, तो हम काबुल, करेंसी आएगा यूएस डॉलर, किसमें करा रहे यूएस डॉलर में, पेमेंट ऑफ मोड एफओबी, टर्म ऑफ सेल, ओपन रिक्वायरमेंट, एडवांस पेमेंट हम बनाना करना चाहते हैं और कितने 100%, विदाउट एलसी, के बाद हमने गुड की डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है, हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट बना भेजना चाहते हैं, क्वांटिटी कितना है 1000, मैयर में यूनिट क्या होगा, एमटी, इनवॉइस वैल्यू 1000, यहाँ पे इसको ऐड कर दें, ये हमारे पास ऐड हो गया। इसके बाद हमने बैंक सेलेक्ट करनी है, एचबीएल में सेलेक्ट कर रहा हूँ,
ये तो हमारे पास टेस्ट यूजर है, तो इस वजह से इसके क्या भी मैं अंडर डिक्लेरेशन चेक करूंगा और उसके बाद में उसको सेव करूंगा। एड्रेस यहाँ पे नहीं आ रहा कि ये हमारे पास टेस्ट यूज़र है, तो यहाँ पे ट्रेड एड्रेस नहीं आ रहा, बिजनेस एड्रेस नहीं उठा रहा। तो व्यूअर, ये हमारे पास ये वीडियो है कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर एक्सपोर्ट किस तरह करेंगे। पहले मैंने बनाया था वो इंपोर्ट के लिए था, ये एक्सपोर्ट के लिए। थैंक यू जी।